किड्स आप देख रहे हैं पेज टेक्निकल चैनल। आज मैं फिर आया हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि एक बल्ब वाली चिटकनी को किस तरीके से सेट किया जाता है और आसानी से अपने घर पर इसको सेट कर सकते हैं। तो वीडियो को अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि लोग इस बल्ब को सेट नहीं कर पाते हैं और इसमें जो एक स्विच होता है इसको बैड स्विच बोलते हैं। लोग बाग इसको लगाते हैं तो बहुत सारे उल्टे सीधे कनेक्शन कर लेते हैं, उल्टा कनेक्शन कर लेते हैं, जिसके कारण फॉल्ट होने का चांस होता है, दूरी भ्रष्ट हो जाती है। तो लोग इस बटन को लगा नहीं सकते, यानी इस चटकनी को लगा नहीं सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में इसी चटकनी को लगाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके कनेक्शन किए जाते हैं और बिल्कुल आसानी तरीके से इसके कनेक्शन हो जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखते रहें। तो मेरे हाथ में एक स्विच है, एक ये तिलक है और एक ये होल्डर है और एक ये डोरी है, डोरी का टुकड़ा। इसी में मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस दो वायरों में अपने होल्डर को सेट कर लेता हूँ। तो ये तो आप कर ही लेंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ होती है, तो आप इसको तो कनेक्शन कर ही लेंगे। इसमें जो दोनों वायरों को कनेक्ट कर दीजिए। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अपने होल्डर को। अब इसके बाद में मैं एक प्लग लगाऊंगा इसमें, और आपको प्लग की ज़रूरत है तो ही लगाएं, अंदर प्लग ना लगाएं, डायरेक्ट जंपर भी लगा सकते हैं इसको। तो मैं इस प्लग को भी सेट कर देता हूँ उस डोरी के अंदर। अंदर भी दो लेग निकलती हैं इनमें, इनको भी आप इसी तरीके से इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने इसका कनेक्शन कर लिया, अपने प्लग का कनेक्शन कर लिया है और इसको प्लग को मैं इसके अंदर ही सेट कर दूंगा। ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब मैं दोनों प्लग और होल्डर को लगा लिया है। अब इसके बाद मैं इसको चेक कराता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बोर्ड लिया है, इसमें बोर्ड के अंदर पावर आ रही है। तो देखो मैं इसको चेक कराता हूँ। तो देखो ये मेरा एलईडी बल्ब जल चुका है, यानी इसकी डायरेक्ट सप्लाई है। तो अब इसको कट करने के लिए मैं इसमें एक बैड स्विच का प्रयोग करूँगा। इसी बैड स्विच को आदमी नहीं लगा सकते हैं, इसी को उल्टा सीधा कनेक्शन कर लेते हैं, तो उसके कारण दूरी में फोल्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। बस एक बात समझनी होगी कि इस डोरी के अंदर दो वायर होते हैं, आपने देखे होंगे दो वायर हैं इस डोरी के अंदर। इस डोरी के अंदर वायर हैं दो, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जहाँ भी आपको सुविधा लग रही वहाँ पर अपनी इस चटकनी को लगा सकते हैं। तो इसके अंदर दो वायर हैं, तो इस एक वायर जो होता है वो नीडल होता है, एक फेस होता है। तो आप इसमें कोई सा भी एक वायर को कट कर देंगे बीच से, तो आप एक वायर को आपको न्यूट्रल रहना है, यानी इसका सीधा सीधा फेस ही रहना होगा। इसको आपको एक तार को कट नहीं करना है, सिर्फ इस दो वायरों में से आपको एक वायर कट करना है दोस्तों। तो मैं इसमें से कोई सा भी एक वायर कट कर देता हूँ। तो मैंने ये अपना ब्लू वाला वायर कट कर दिया है। देखिए दोस्तों मैंने इसमें से एक वायर को कट कर दिया है, एक वायर मेरा फ्री हो गया है। एक वायर से हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक वायर को ही कट करना है। तो एक वायर कट करने पर दो वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो वायर आपको स्विच के अंदर ही लगाने होंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों वायरों को मैंने प्लास्टिक को उतार लिया है और अपने तारों को निकाल लिया है। तो अब इसके बाद मुझे सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं करना है, ये अपना इसके अंदर भी दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपके, ये अपनी सप्लाई कट करने के लिए ही होते हैं। तो इसमें जो मैंने दो वायर एक वायर को काटा था, जिसमें दो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों वायर आपको इसी पॉइंट में लगाने होंगे। तो आप इसी में लगा सकते हैं। तो देखो ये मैंने एक वायर को लगा लिया है और पेचकस से कस भी दिया है, दूसरे वायर को भी मैं लगा देता हूँ इसी तरीके से। दूसरे तो देखिए दोस्तों दोनों वायरों को मैंने इस तरीके से कट किया था, देख रहे होंगे आप, एक वायर को ही कट किया है। एक वायर में दो पॉइंट दिखाई देने लगे थे, दोनों पॉइंटों को मैंने, यानी जो ये बैड स्विच है यानी जो चटकनी है बल्ब वाली, उसके दो पॉइंटों पर ही लगा दिया है। तो अब इसको मैं सीधा सीधा बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया और ये देखिए दोस्तों इसमें कनेक्शन हो चुके हैं और बिल्कुल सरल तरीके से कनेक्शन है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा जो स्विच है वो काम करने लगा या नहीं करने लगा। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको इसमें लगा लिया है,
तो मेरा बल्ब यानी जल गया। अब मैं इस बटन को मैं ऑफ करूंगा तो देखो मेरी सप्लाई बंद हो गई, और दोबारा मैं चालू करूंगा तो मेरी सप्लाई चालू हो गई। बंद और चालू देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सरल है। इस बटन को लगाना आप अपने घर पर आसानी से लगा सकते हैं। किसी भी मिस्त्री के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी दुकानदार के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो आपने देखा था कि मैंने इस बल्ब चटकनी को कितनी आसानी से लगा के दिखाया था। आप भी अपने घर पर इसको आसानी से लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।